पप्पू आपने एक बयान दिया, अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी, जर्मनी इज हिटलर, हिटलर इज जर्मनी। वही बात इंडिया में मोदी आए तो मोदी ने नारा दे दिया, मोदी पर हमला नहीं है, भारत पर हमला। गौतम अडानी पर सरकार की बहुत अति कृपा रही जिसकी वजह से अडानी लगातार, हम नहीं मानते, पूरी दुनिया मान रही है। जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है, जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी तो शुरू से ही मोदी अडानी जी के बारे में सूट बूट की सरकार से लेकर अडानी अंबानी की सरकार के अलावे एक व्यक्ति है राहुल गांधी जो अपने जिद पर अड़े थे कि ये तीसरी सरकार ही नहीं। प्रधानमंत्री क्या एक व्यक्ति के खातिर इतना बड़ा जोखिम ले लेंगे? अभी 2024 का चुनाव है। मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति को इन लोगों ने टू जी न्यूक्लियर क्या गाली गलौज की। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा क्या हैट्रिक कर पाएगी? बीजेपी से यदि आप हिंदू मियां पाकिस्तान जिन्ना मंदिर मस्जिद हटा दीजिए तो 7 जन्म में मुखिया में भी चुनाव नहीं लड़ जीतेंगे। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है या कुछ और है? नीतीश कुमार एज ए मेन, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन पप्पू यादव को इतना करने के बावजूद भी बिहार की जनता ने वो प्यार, वो प्रेम उस तरीके का नहीं दिया। आप एक बात बताइए, हम जब गिरफ्तार हुए थे तो 3.5 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया था, हम साउथ में होते हम भगवान हो गए। रूबरू में मिलिए जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।